नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास और आप मेरे चैनल पे एक्सेल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स और फॉर्मूले सीखते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सेल का वो पावरफुल फॉर्मूला जिसके थ्रू बड़े से बड़ा, विशाल से विशाल का डेटा को हम छोटी सी जगह पे समराइज करके, कंप्राइज करके, एक सुंदर से रिपोर्ट बना के, कंपेरेटिव एनालिसिस करके अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए आज हम सीखेंगे पिवट टेबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे, ये मैंने एक टेबल बना रखी है ए बी सी डी और ई कॉलम में, एस नंबर, सीरियल नंबर, आइटम, कॉस्ट, डेट, एरिया, सीरियल नंबर 1234, आइटम में जैसे कि टाइल्स, इलेक्ट्रिक गुड्स, प्लम्बिंग गुड्स, कॉस्ट में मैंने 10,000, 12,000, 11,000 वैल्यू डाल दी, डेट्स में मैंने 10 अगस्त 10 अगस्त 15 अगस्त ऐसे, और एरिया में किस एरिया से खरीदा गया सामान, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे क्लाइंट कहे कि भाई मुझे ना ये डेटा दे दो कि टाइल्स में कितना है, तो अब आप उठा के उसको पूरी टेबल दे दोगे तो भाई उसको समझने में ये लगेगा कि फिल्टर लगाएगा भाई वो, ठीक है, फिर वो फिल्टर लगा के ऐसे टाइल पे जाएगा, ऐसे ऐसे करके, मतलब फिर देखेगा कि कहाँ पर, मान लो कहे टाइल्स में नॉर्थ एरिया में लगाओ, तो आपको कितने फिल्टर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा ना करिए, सबसे पहले आप क्या करें, इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट पे एक ये ऑप्शन है, इंसर्ट पे जाके ऑप्शन पे पिवट टेबल है यहाँ पर, इस पे क्लिक कर दे। इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। देखो, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे अगर आप लोकेशन पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे कहीं पर भी, किसी भी लोकेशन पे आप अपना पिवट टेबल बना सकते हो। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप न्यू वर्कशीट पे बनाओ, तो न्यू वर्कशीट हमेशा सही रहता है। तो इंसर्ट पे गए हम, पिवट टेबल पे गए, न्यू वर्कशीट आया, ओके कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर मेरा पिवट टेबल का लेआउट आ गया। ठीक है, राइट साइड में ये मेरा जो है, जो मेरा हेडर था, एस नंबर, आइटम, कॉस्ट, ये आ गया। ये मेरे चार मैट्रिक्स हैं, फिल्टर, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। ठीक है, अब ये जो चार मैट्रिक्स हैं, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका जो डेटा मोस्टली आता है वो रोज में आता है या कॉलम्स में आता है, और जो वैल्यूज से रिलेटेड डेटा होता है, जिसमें मतलब अमाउंट होता है, वो आपका वैल्यूज में आता है। ठीक है, जिसमें वैल्यू होती है, अमाउंट होता है या रुपए पैसे जो भी कह लो, वो आपका वैल्यू वाले मैट्रिक्स में आता है, इस वाले में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमें चेक करना है कि हमने अपने टोटल आइटम में कितना कॉस्ट आया हमारा, तो हम क्या करेंगे, आइटम को हमने रोज में ड्रैग कर लिया और कॉस्ट को हमने यहाँ पर वैल्यूज में ड्रैग कर लिया। ठीक है, तो आपको ये दिख गया कि आपने ये 1 2 3 4 5, ये पांच मेरी आइटम है, ये पांच आइटम मैंने इस पूरे टेबल में, देखो अगर यहां देखोगे आप तो यहां पर मेरे को कितना आइटम दिख रहा है, यहां तक जाओगे तो आप 40 आइटम दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने पिवट टेबल बनाया तो उस 40 आइटम में एक्चुअली कितने आइटम है, पांच आइटम है जो बार बार खरीदे गए हैं। अब उनका टोटल कॉस्ट क्या है, देखो इलेक्ट्रिक गुड का कॉस्ट 72,000, फर्नीचर मटेरियल का 66,000 और अकॉर्डिंगली नीचे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये कॉस्ट है, सम ऑफ कॉस्ट, इसमें मेरे को ये देखना है कि भाई ये जो टोटल कॉस्ट है, इस टोटल कॉस्ट का पर आइटम में कितना प्रपोर्शन है। मतलब कि अगर मैं बात करूं, टोटल कॉस्ट मेरी 274,000 आ गई और इलेक्ट्रिक गुड्स में मेरा 72,000 है, तो इलेक्ट्रिक गुड्स आखिर इस 274,000 का कितना परसेंट कॉस्ट बेयर कर रहा है, तो देखते हैं हम। देखते हैं हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक बार फिर से कॉस्ट पे, दोबारा से हम वैल्यू पे लेंगे कॉस्ट को। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट टू पे जाएंगे, यहां पर राइट क्लिक करा हमने और यहां पर वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाओ, उसके बाद आपके पास एक शो वैल्यू आ रहा है, यहां पर क्लिक करो, फिर शो वैल्यूज को यहां पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, फिर यहां पर परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लो। तो देखो ये आ गया आपका सम ऑफ, मतलब सम ऑफ कॉस्ट आ गया, और ये आ गया 26.28% इलेक्ट्रिक गुड्स ने इस टोटल कॉस्ट का यहां पर बेयर किया है, और फर्नीचर ने 24% और ऐसे ही पेंट मटेरियल इन सब ने। अब हम बात करते हैं भाई कि हमें एक बार एक चीज और लगा लेते हैं यहाँ पर, एक और कॉस्ट लगा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि रैंकिंग वाइज चेक कर रहे हैं कि भाई कौन से आइटम ने सबसे ज्यादा कॉस्ट आया, कौन सा आइटम में सबसे ज्यादा कॉस्ट आया है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हमने एक बार कॉस्ट को फिर से ड्रैग कर लिया नीचे, यहाँ पर देखा होगा आपने। अब मैंने यहाँ पर सम ऑफ कॉस्ट जो 3 करके आ गया, यहाँ पर राइट क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे गया, फिर से शो वैल्यू एज में गया, यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, यहाँ पर मैंने रैंक कर दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और ओके कर दिया। तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक गुड्स में 72,000 है, ये सबसे ज्यादा खर्चा हुआ,
फिर देखोगे आप, 2 नंबर पे खर्चा है फर्नीचर मटेरियल का 66,000, 3 नंबर पे खर्चा है आपका टाइल्स का, यह है 52,000। तो यही मैं कह रहा था कि हम छोटे सी जगह पर डेटा को हमने देखो समराइज कंप्राइज कर लिया, समराइज कर लिया, और हम इसको हम एनालिटिकल अपने अकॉर्डिंगली जो हमारा क्राइटेरिया सूट करता है अपने अकॉर्डिंगली हम उसको कंपेरेटिव एनालिसिस करके रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इनको हटाता हूँ। अब मैं एक तरीका और बताता हूँ। अब जैसे मेरे पास सम ऑफ कॉस्ट और रो लेवल आ गया। अब मेरा क्लाइंट कह रहा है कि भाई मुझे डेटा चाहिए कि मान लो इलेक्ट्रिक गुड्स नॉर्थ में कितना बिका। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे कैसे। तो देखो इसको 2 तरीके से है। मेरा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एरिया हो गया। देखो एक तो मैं एरिया को फिर से रो में ले आऊंगा, तो मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ, भैया मेरा इलेक्ट्रिक गुड्स नॉर्थ में मेरा ये 14,000 रुपये, 14,000 का कॉस्ट आया। ठीक है, इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, अब एरिया को मैं इधर ले आता हूँ कॉलम पे। तो कॉलम पे ले जाओगे आप तो आपको दिख जाएगा भाई इलेक्ट्रिक गुड्स मेरा नॉर्थ में 14,000 का है। तो आप क्या करोगे, क्लाइंट को ये पूरी की पूरी रिपोर्ट ऐसे, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट उठा के दे दोगे उसे। तो सीधा भैया कॉपी पेस्ट करके दे दोगे अपने मेल पे, तो वो समझ जाएगा इलेक्ट्रिक गुड्स ईस्ट में 6,000, नॉर्थ में 14,000, साउथ में 24,000, वेस्ट में 28,000। ठीक है, चीज करता हूँ। देखो आपको ये दिख रहा होगा ये गैपिंग आ रही है। देखो जहां जहां मेरा डेटा नहीं होगा ना, जैसे कि पेंट मटेरियल का डेटा ईस्ट में कभी नहीं खरीदा गया, तो इसलिए यहां पर ब्लैंक आ गया। तो आप क्या करो, राइट क्लिक करो ईस्ट पे जाके, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाओ, और यहां पर जो है फॉर एम्प्टी सेल्स शो पे जाओ, यहां पर क्लिक कर दो, यहां पर 0 कर दो। ठीक है, ओके कर दो। तो अब यहां पर जहां जहां 0 था वो 0 हो गया। इसी के साथ आप पूरे पिवट टेबल को सिलेक्ट करो यहां पर, और यहां पर ये यह कॉमा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको दिख गए, अब आपको बहुत इजी वे में दिख रहा है किस किस क्षेत्र में कितना खर्चा हुआ। अब मेरा क्लाइंट कह रहे हैं कि भाई मुझे डेट वाइज भी डेटा दे के डेटा दो। ठीक है, कि भाई किस डेट पे पर्टिकुलर डेट पे डेटा मांग रहा है। तो उसके भी 2 मेथड है। डेट पे जाओ, रो आइटम में रो वाले मैट्रिक पे जाओ, यहाँ क्लिक कर दो। तो देखो इलेक्ट्रिक गुड 10 अगस्त को नहीं खरीदा ईस्ट में ना नॉर्थ में खरीदा, सिर्फ साउथ में खरीदा इसने 12,000। ठीक है, तो ये है इसका। इसी प्रकार से अगर फर्नीचर मटेरियल देखोगे 15 अगस्त को ईस्ट में नहीं खरीदा, नॉर्थ में 6,000 का खरीदा। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से भी डेटा को बना सकते हैं। इसमें एक चीज आप कर सकते हो, यहां पर जाओ आप डिजाइन पे जाओ, यहां पर सब टोटल में जाके डू नॉट शो सब टोटल कर दो, तो थोड़ा डेटा आपको और सुंदर और इजी वे में समझने लायक हो गया। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आपको डेटा पूरा, तो आप हम इसको रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं बड़ा इजीली। अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपने डेट को सीधा फिल्टर पे ले आता हूँ एक बार, इस वाले फिल्टर। ठीक है, अब मेरे को मान लो क्लाइंट ने कहा भाई 10 तारीख का मुझे डेटा दो, चारों 10 तारीख का मुझे ईस्ट और वेस्ट का डेटा दो। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर फिल्टर लगाया, यहाँ पर सिलेक्ट मल्टीपल कर दिया, यहाँ से ऑल से हटा दिया पहले एक बार। अब मैं 10 अगस्त को लगा दिया, और मैंने मान लो 15 अगस्त का लगा दिया। ठीक है, ओके कर दिया। अब मेरा डेटा आ गया। अब देखो ईस्ट और वेस्ट का भी कह रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अब जो मेरा वो है ना एरिया, मैं एरिया को भी इधर से हटा के फिल्टर पर ले आऊंगा। फिल्टर पे लाने के बाद मैं इसको भी ईस्ट और वेस्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा, सिलेक्ट मल्टीपल, यहाँ से ऑल से हटा दिया मैंने ईस्ट और वेस्ट, तो मेरा ये ओके हो गया। तो मेरा एक्चुअली में क्या है, ये ईस्ट और वेस्ट का डेटा बनेगा टोटल ये, और ईस्ट और वेस्ट का टोटल मेरा है 10 और 15 अगस्त का कितना कॉस्ट आया। ठीक है, आप चाहो तो एरिया को एक बार इधर से ऐसे भी कर सकते हो फिर से। ठीक है, तो आपका ईस्ट का डेटा ये आ गया और वेस्ट का भी आ गया, ये ग्रैंड टोटल आ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं पिवट टेबल में। फिलहाल के लिए मैंने आपको बहुत इजी वे में बहुत छोटी सी चीजें, छोटी छोटी और बहुत अच्छी चीजें बता दी जिसके थ्रू आप बना सकते हो पिवट टेबल। और अभी ऐसा नहीं कि पिवट टेबल खत्म हो गया, वीडियो ज्यादा लंबे ना हो इसीलिए मैंने अभी छोटा ही बनाया है। अगले सेशन में मैं आपको इसके आगे की चीजें बताऊंगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।